हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, आज के स्टूडियो हम जानेंगे कि हमें कौन से गियर पर कितने स्पीड में चलना चाहिए। दोस्तों, ये हाईवे और अक्सर हम हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और हाईवे पर हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर पर चलाना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जो नए राइडर होते हैं, जो लोग अभी भी गाड़ी चलाना शुरू किए हैं या फिर गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा कि हमें कौन सी स्पीड पर कौन से गियर लगाना चाहिए या फिर चलना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो गाड़ियाँ जो होती है उनमें किसी गाड़ी में 4 गियर होता है, किसी गाड़ी में 5 गियर होता है, तो किसी गाड़ी में 6 गियर होता है। दोस्तों जो गियर रेशियो जो होता है वो हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी जो है 100 cc की है, तो उसका जो गियर रेशियो जो होगा फर्स्ट गियर का, यानी कि फर्स्ट गियर में जो आपकी गाड़ी जाएगी वो कुछ 15 से 20 जाएगी। वही दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी जो है 200 या फिर 250 cc की है, तो उसका गियर से कुछ और रहेगा। जो गाड़ियाँ 500 cc या फिर उससे ज़्यादा की हैं, तो उनका कुछ और रहेगा। दोस्तों, देखा जाए तो गाड़ियों को 3 सेगमेंट में बांटा गया है। जो पहला सेगमेंट जो होता है वो होता है कंप्यूटर सेगमेंट, यानी कि डेली अप डाउन करने वाली गाड़ियाँ, जो कि होती है 100 cc से लेके 125 या फिर 150 cc तक की होती है। सेकंड जो होता है वो है आपका स्पोर्ट सेगमेंट, जो कि 150 से लेकर 250 या फिर 300 cc तक होती है। उनमें दोस्तों आपका आता है R15 आता है, TVS, KTM वगैरह जो गाड़ियाँ आती है वो स्पोर्ट्स में आती है, जिनमें दोस्तों सिंगल सिलेंडर लगा होता है। और उसके बाद दोस्तों आती है सुपर स्पोर्ट सेगमेंट, जिनमें दोस्तों 3-3 सिलेंडर लगे होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हायाबुसा का नाम सुना होगा, वो जो गाड़ी आती है वो आती है सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में, उसमें दोस्तों 6 गियर लगे होते हैं और हर एक गियर का जो स्पीड लिमिट है वो अलग अलग होता है। दोस्तों जो नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है उसकी स्पीड लिमिट 15 से 20 होती है, या फिर लास्ट 25 तक या फिर 30 तक होगी, उसके ऊपर नहीं होती है। उसके ऊपर अगर आप गाड़ी को रेव करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी का जो इंजन है वो साउंड करने लगता है। लेकिन दोस्तों, वहीं सुपर बाइक जो होती है, जैसे कि हायाबुसा हो गई, उसका जो फर्स्ट गियर का जो रेशियो है वो करीब करीब 70 से 80 का होता है, यानी कि फर्स्ट गियर में वो गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल गाड़ियों की, यानी कि आम जिंदगी में जो लोग यूज़ करते हैं उन गाड़ियों की मैं यहाँ पर बात करूँगा। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको गियर के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जो गियर लीवर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। जो छोटी जो गाड़ियाँ होती है, जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन, प्लेटिना वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो गियर लीवर जो लगा होता है, पहले आपको दिखा जाता हूँ नीचे से, देखिए। ओके, हाँ, तो जो छोटी गाड़ियाँ होती है उनमें जो गियर लीवर लगा होता है वो यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, यानी कि दोनों तरफ होता है। तो वहाँ पे आपको गियर पीछे को माना पड़ता है, पीछे 1, 2, 3, 4, उसमें दोस्तों 4th गियर लगे होते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करूँ स्पोर्ट्स बाइक में, उसमें दोस्तों सिंगल लीवर लगाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल लीवर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, गियर मारने का पैटर्न होता है वो होता है 1 डाउन, बाकी सब ऊपर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो इस तरह से हमें गियर मारना होता है। चलिए अभी ऊपर बैठाते हैं। तो आपको दोस्तों गियर मारने का जो पैटर्न है वो आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गियर रेशियो की। अगर आप गाड़ी को चालू करते हैं कभी भी, तो आप क्या करते हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट गियर मारते हैं, उससे आपकी गाड़ी जो है रनिंग में आती है, यानी कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट गियर में आना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट गियर में जब आप आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको रेस देना पड़ेगा। रेस देंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो एक सडन लिमिट तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंजन है वो एक नॉइजी साउंड करने लगेगा, तो उस समय क्या होता है कि आपको महसूस होगा, यानी कि आपका जो इंजन है वो गियर की मांग कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसको गियर चाहिए ताकि वो अपने स्पीड को बढ़ा सके। तो आप लोग क्लच दबा के सेकंड गियर लगाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी जो है नॉर्मल हो जाएगी। फिर कुछ दूर जाने के बाद
फिर से आपका जो इंजन है वो आवाज़ करेगा, वो कुछ 25-30 या फिर 35 किलोमीटर पर आवर पर फिर से आपका इंजन आवाज़ करेगा, यानी फिर से गियर की मांग करेगा। तो आपको उस समय फिर से आपको गियर लगाना पड़ेगा, यानी थर्ड गियर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सर्कल है वो चलता रहेगा जब तक कि आप टॉप गियर में ना आए। दोस्तों टॉप गियर में आने के बाद, यानी कि फोर्थ, अगर आपकी गाड़ी में फोर्थ गियर है तो फोर्थ गियर में आने के बाद आपकी गाड़ी जो है फ्री हो जाती है। आप कितने भी इसको रेव करेंगे, जोर का, स्लो का, जोर का, वो आपका जो इंजन है वो साउंड नहीं करेगा। यानी कि उसको जितना भी दूर आप भगाएं आपकी गाड़ी भागती रहेगी, भागती रहेगी। जो भी स्पीड आपकी 80-90-100 तक आपकी गाड़ी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ गियर बदलने की, आपको कब अपनी गाड़ी का गियर चेंज करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको रोड पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको गाड़ी कब, सॉरी आपको जो गियर है वो कब आपको चेंज करना चाहिए। तो ये है मेरी गाड़ी, अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे न्यूट्रल में है, तो मैं अपनी गाड़ी को चालू करता हूँ। देखिए मैंने गाड़ी को चालू किया, यहाँ से मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर में आया। देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट गियर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट दिखाएगा कि आपकी गाड़ी कौन सी स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको मॉनिटर करना कि मैं कब आपको बताऊंगा। 10 से 15 या फिर 20 किलोमीटर पर आवर पर मेरा जो इंजन है वो आवाज़ करेगा, ठीक है। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रही है। देखिए अभी 10 आ गया, 12-15। दोस्तों अभी देखिए मेरी गाड़ी जो है 18 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है और मेरा जो इंजन है वो आवाज़ कर रहा है। तो मुझे क्या करना है कि क्लच दबा के गियर को बढ़ाना है, यानी कि सेकंड गियर पर आना है। देखिए अभी सेकंड गियर पर आ गया, मेरी गाड़ी जो है फिर से नॉर्मल हो गई। अभी देखिए 30 तो आते आते मेरी गाड़ी जो है फिर से आवाज़ कर रही है, यानी कि वो गियर की मांग कर रही है। तो मुझे क्लच दबा के गियर को अप करना पड़ेगा, यानी कि मैं देखिए थर्ड गियर में आ गया। अभी देखिए मेरी गाड़ी वापस से नॉर्मल हो गई। अब दोस्तों मैं 35-40 तक गाड़ी को आराम से खींच सकता हूँ। देखिए अभी गाड़ी, अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक आ गया है। अभी देखिए 38 तक आते आते मेरी जो गाड़ी है वो उसका जो इंजन है फिर से साउंड कर रहा है। तो मुझे गियर को चेंज करना है, तो मुझे प्रेस दबाना है यहाँ से और मैंने देखिए अप कर दिया। अभी देखिए मैं फोर्थ गियर में आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ट्रैफिक आ गई है, तो मुझे थोड़ा सा रुक जाता हूँ, यहाँ पर चलान कट रहा है। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे मुझे गियर को कम करना है। तो क्या करना है दोस्तों, कि आपको क्लच दबा के गियर को कम करना है, लेकिन उसके लिए आपकी जो स्पीड लिमिट है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मेरी जो स्पीड कम होती जा रही है, यानी कि थर्ड गियर की जो लिमिट है उसके नीचे आ गई है। तो मेरी गाड़ी जो है वो मेरे से झटके मारेगी, तो मुझे क्लच दबा के गियर को, देखिए झटके मारिए और क्लच दबा के मेरे गियर को डाउन कर दिया। देखिए सेकंड गियर पे मैं आ गया। दोस्तों गियर आपको तब डाउन करना है जब आपको लगे कि आपकी जो गाड़ी है वो झटका मारना शुरू कर दी है। अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर पे आ गया हूँ। देखिए मेरी गाड़ी जो है फिर से आवाज़ करी है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक है तो मैं यहाँ पे गियर चेंज नहीं कर सकता। देखिए अभी मैंने देखिए गियर को चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस मेरे को मिल गया ना थोड़ा आगे जाने का, इसीलिए। देखिए अभी मेरा जो इंजन देखिए आवाज़ कर रहा है, मेरी जो स्पीड है वो 30 की है और मैं क्लच दबाता हूँ और गियर को मैंने अप कर दिया, यानी थर्ड गियर में आ गया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर आप फर्स्ट गियर पे हैं, ठीक है, और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही आपका जो इंजन अलग तरह से साउंड करने लगे तो समझ जाइए कि आपको गियर को चेंज करना है। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को कौन से भी गियर पर उसकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा खींचेंगे तो आपका जो इंजन है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी देर तक गाड़ी को उसी गियर पर उसकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा न खींचें। अभी मेरी गाड़ी जो है फोर्थ गियर पर चल रही है,
और फोर्थ गियर का जो लिमिट है वो है 45 से लेकर 60 तक का है, तो मैं 60 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी का जो गियर है वो चेंज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं गियर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी देखिए मैं पांचवें गियर पे आ गया, अभी देखिए अभी कितना मैं खींच, अभी मैं इसको कितना खींच सकता हूँ, खींचता हूँ। देखिए 60 किलोमीटर पर आप की स्पीड आ गई, लेकिन मेरा इंजन अभी तक आवाज़ नहीं किया। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक आ चुका है, इसलिए मैं गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ। 60 किलोमीटर पर आकर मेरी जो गाड़ी का जो स्पीड है, सॉरी इंजन है, वो गियर की मांग करेगा। देखिए अभी 60 की स्पीड आ गई, अब मेरा जो इंजन देखिए आवाज़ कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, क्लच को दबाकर गियर को चेंज करना है। क्लच दबाया, गियर को चेंज किया, देखिए नॉर्मल होगी मेरी गाड़ी। अब थोड़ा स्लो डाउन होता हूँ, दोस्तों ये बेसिक चीज है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप नए रह रहे हैं तब भी। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो लोग एक ही गियर पर गाड़ी लंबा खींचते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपसे हो जाएगा, आप लोग भी कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो और इसे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।